भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के लोगों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पोस्टर जलाए और उसका पुतला आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शन कर रहे भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के कार्यकर्ताओं का कहना था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72 साल की ऐतिहासिक कार्य किया है और पाकिस्तान उसका विरोध कर रहा है, इसलिए हम लोग पाकिस्तान का विरोध करते हुए उसे चेतावनी देते हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो उसे अपना अंजाम भुगतना पड़ेगा। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के निर्देशक तल्ला बाबू द्रविंद ने कहा है कि सर क्या कार्यक्रम था आज? इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पोस्टर फूके हैं, झंडा फूका है, और वो इसलिए फूके हैं कि जो 72 साल पहले होना था वो मोदी जी ने 72 साल बाद किया है। हमें इसकी बहुत बड़ी खुशी है, मोदी के आभारी हैं। दूसरा ये है कि अब वहाँ कश्मीर के आवाम को रोज़गार मिलेंगे, कश्मीर की तरक्की होगी, लोगों को रोज़गार मिलेंगे, भुखमरी ख़त्म होगी, आतंकवाद ख़त्म होगा, और सबसे बड़ा फ़ायदा वाल्मीकि कौम को हुआ है, क्योंकि वहाँ दूसरी कोई नौकरी करने का उनको अधिकार नहीं था। सिर्फ कितना ही पढ़ा लिखा होता था वो वाल्मीकि समाज का सफाई का ही काम कर सकता था, अब वो सब पदों पर काम करेंगे जैसे पूरे हिंदुस्तान। क्या कहना है इमरान खान जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं? ये मैं वो तो अब वो एक ऐसी गीदड़ भमकी भी नहीं कहूँगा, मैं उसे खसगोश भमकी कहूँगा जो भागते ही चला जाता है। अगर उन्हें कुछ करना होता तो पहले कर लेते, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी करने वाला कुछ चूकता है, वो बेवजह के वो कर रहे हैं, वो उसको भड़काऊ भाषण देने, ये सब बेकार है। अब हिंदुस्तान दबने वाले। एक बड़ा बयान दिया है कि 370 दो धारा हटाई गई है, उसके परिणाम गलत होंगे, और जो पुलवामा में अटैक हुआ है उससे भी बड़ा अटैक करने की धमकी दी है, क्या है? ये देखिए, वो तो शुरू से ही अटैक करते ही आया है, और अटैक झेलने के लिए हिंदुस्तानियों के हर हिंदुस्तानी के सीने खोल दिए हैं, बटन खोल दिए हैं कि तू अटैक कर, हम उसका बदला लेंगे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक।